भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चुनाव के दौरान शहरों में रोड शो नियमित रूप से करते हैं। बिहार की राजधानी पटना में पटना साहिब में भी संसदीय क्षेत्र में वो लगातार रोड शो करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। शनिवार को आयोजित किया जा रहा है उनका पटना में रोड शो, लेकिन इस रोड शो के लिए जो रास्ता चुना गया है उससे साफ हो जाता है कि यह आयोजन जानबूझकर बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा के चुनौती देने के लिए किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब सीट से जरूर चुनाव लड़ रहे हैं, मगर इस बार पाला बदल को कांग्रेस की तरफ चले गए हैं। महागठबंधन संयुक्त उम्मीदवार भी हैं। रोड शो के बारे में जानकारी देते हुए बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि अमित शाह का यह रोड शो पटना साहिब क्षेत्र के कदम कुआ स्थित दुर्गा मंदिर से शुरू होगा। रोड शो साहित्य सम्मेलन ठाकुर बाड़ी रोड से बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान उद्योग भवन तक चलेगा। हालांकि यह दूरी मात्र 2 किलोमीटर की है, लेकिन इस इलाके में बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा का पुराना दबदबा रहा है। कदम कुआं से सिन्हा का पैतृक घर कुछ ही मीटर की दूरी पर है, जहां से रोड शो शुरू होगा। बीजेपी नेताओं का मानना है कि रोड शो यह रूट जानबूझकर बनाया गया है ताकि शत्रुघ्न सिन्हा को उनकी औकात दिखाई जाए, उन्हें इस बात का भी एहसास कराया जाए कि इससे पूर्व 2 चुनाव में उन्हें जो वोट मिले थे वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से मिले थे। अभी भी पार्टी के पास इतनी शक्ति है कि वह अपने घर के सामने एक एक वोट लेकर जा सकती है। हालांकि रोड शो के रूट पर शत्रुघ्न सिन्हा ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जब वे नामांकन करने गए थे तब उन्होंने भी इस रूट का चयन किया था। स्पष्ट है कहीं ना कहीं भाजपा शत्रुघ्न सिन्हा को उन्हीं की दवाई दे रही है, जो दवाई अब तक वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ट्विटर के माध्यम से देते आए थे। अब जब उन्होंने घर छोड़ दिया है तो घर के साथ साथ उनके साथ अब बेरुखी भी की जाएगी। उनके रूट पे उनके घर के थ्रू घूम कर जाना अमित शाह का कहीं ना कहीं उन्हें चुनौती देना है, और अब ये स्पष्ट हो गया है कि इस क्षेत्र में भाजपा बनाम शत्रुघ्न सिन्हा तय है। देखते हैं कि जनता अब क्या फैसला लेती है। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन है वो दबा दीजिएगा, खबरें जहां आप रहिएगा वहीं मिल जाएंगी। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।